इवनिंग स्टूडेंट, बेटा दिस इज़ योर इंग्लिश, दिस इज़ योर मैथ्स बुक। सभी बच्चे अपनी मैथ्स की बुक ओपन करेंगे। सभी बच्चों ने मैथ्स की बुक ओपन कर लीजिए। पेंसिल रबड़ अपने पास रखिए, आज हम बुक फिल करेंगे। ओके बेटा, तो चलो सभी बच्चे पेज नंबर 11, कौन सा पेज नंबर खोलेंगे? पेज नंबर 11। और पेज नंबर 11 में आप सभी बच्चे ध्यान से देखिए क्या लिखा है। सिमिलर एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट, सिमिलर और डिफरेंट ऑब्जेक्ट आपको इसमें बतानी है। सिमिलर क्या होता है बेटा? एक जैसी, और डिफरेंट अलग अलग। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? सिमिलर मतलब एक जैसी और डिफरेंट मतलब बेटा अलग अलग ऑब्जेक्ट। तो आपको क्या करना है, देखो क्या लिखा है। ये एक रिमोट की पिक्चर है और ये एक माउस है, तो दोनों क्या है, डिफरेंट है। देखो दिस इज ए रिमोट और दिस इज अ माउस, तो दे आर टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो ये दोनों जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्या हैं, दोनों डिफरेंट हैं। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? दोनों ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये डिफरेंट है। लेकिन साइड में देखिए, इसी के साइड में देखिए, दिस इज ए चेयर, दिस इज ऑल्सो ए चेयर। ये दोनों क्या हैं, कुर्सियाँ हैं, तो दोनों चेयर्स हैं, तो ये क्या है, सेम है। तो दे आर टू सेम ऑब्जेक्ट्स, ये दोनों क्या हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स हैं। सभी बच्चों को बात समझ में आ गई? तो इसमें हमें सिमिलर और डिफरेंट की पहचान करनी है। सिमिलर मतलब एक जैसा, डिफरेंट मतलब बेटा अलग, ठीक है। नेक्स्ट है टू डू, ये आपको करने हैं एक्सरसाइज। क्वेश्चन पढ़ो, क्या लिखा है बेटा? सर्कल द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट बिलोंग टू द कैटेगरी। आपको सर्कल करना है ऑब्जेक्ट पे जो इनसे बिलोंग नहीं करती, जो कैटेगरी। तो आपको दो ऑब्जेक्ट, ये एक ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट, इन दोनों में से सर्कल लगाना है। तो देखो पहले इस वाले पार्ट को आप देखिए, इस वाले पार्ट में देखिए फ्लावर्स हैं, लोटस का फ्लावर, रोज़ फ्लावर, लिली फ्लावर, सन फ्लावर। लेकिन ये क्या है, ये आपका फ्रूट है, तो फ्लावर की कैटेगरी में ये फ्रूट दिया, तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। तो आप इस पे क्या लगा दोगे, सर्कल लगा दोगे। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? आपको इसमें क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। नेक्स्ट वन इज़ देखो फिशेज हैं, फिश, डॉल्फिन। सभी बच्चे ध्यान से देखिए, ये क्या है, डॉल्फिन, दिस इज फिश, ये स्टाफ, ये स्टार फिश, ये सब क्या है बेटा, ये सब जो हैं वो आपके वाटर एनिमल्स हैं। सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है? ये सभी आपके वाटर एनिमल्स हैं, ये सभी आपके क्या हैं बेटा, ये सभी आपके वाटर एनिमल्स हैं। लेकिन इसके अंदर क्या दी गई है, कैट, तो कैट वाटर एनिमल नहीं है ना, तो ये ऑड हो गया। तो इसको आपको क्या करना है, इस तरीके से सर्कल करना है। तो आपको समझ में आ गया आज का टॉपिक क्या था आपका? आज का टॉपिक आपका था बेटा सिमिलर एंड डिफरेंट। सिमिलर मतलब एक जैसा और डिफरेंट मतलब अलग। तो इस पे सभी बच्चे आज की डेट डालेंगे 9/12/2020। सभी बच्चों को समझ में आ गया? सभी बच्चे डेट डालेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों को समझ में आ गया बेटा? बेटा नेक्स्ट देखिए, आप सभी बच्चे पेज टर्न करिए और पेज नंबर 12 निकालिए। पेज नंबर 12 में आप सभी बच्चों को क्या करना है, पेज नंबर 12 में नंबर 0 to 10, ये नंबर दिए हुए हैं 0 to 10। आपको क्या करना है, रीड ट्रेस एंड राइट द नंबर्स फ्रॉम 0 to 10 अलॉन्ग विथ देयर नंबर नेम। आप सभी बच्चों को यहाँ पे ये रो जो आपको दिख रही है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये आपको ट्रेस करनी है। फिर यही सेम चीज़ आपको बेटा यहाँ पे भी लिखनी है, और यहाँ पे आप सभी बच्चे 0 की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे 1 की स्पेलिंग लिखेंगे, यहाँ पे 2 की, 3 की। तो आपको ये वाला पेज भी होमवर्क में करना है। सभी बच्चों को एम आई क्लियर? सभी बच्चों को बात समझ में आ गई है? ये आप सभी बच्चों को होमवर्क में करना है। आप सभी बच्चे मेरे साथ स्पेलिंग रीड कीजिए। 0 की स्पेलिंग क्या होती है बेटा, जेड ई आर ओ, 0, ओ एन ई 1, टी डब्ल्यू ओ 2, THREE, FOUR 4, FIVE 5, 5 के बाद क्या आता है रीड कीजिए, SIX 6, SEVEN 7, EIGHT 8,
NINE 9, TEN 10। तो सभी बच्चों को ये पेज फिल करना है बेटा। देखो मैं आपको पहली लाइन दिखा रही हूँ, ज़ीरो लिखा है, ज़ीरो को आप इस तरीके से ट्रेस करेंगे, फिर आप यहाँ पे ज़ीरो 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 लिखेंगे, ठीक है। अब आप ज़ीरो की यहाँ पे स्पेलिंग लिखेंगे Z E R O, क्या बना बेटा, ज़ीरो, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, ट्रेस करेंगे 1 1 1 1 1, और फिर आप मेरे को यहाँ पे लिखना है O N E 1। नेक्स्ट वन देखिए 2 2 को आप इस तरीके से ट्रेस करेंगे, देन 2 2 2 2, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 T W O 2। नेक्स्ट है 3 3 को आपको ट्रेस करना है, लिखिए 3 3 3 3, और 3 की स्पेलिंग क्या है बेटा THR EE 3। नेक्स्ट वन इज 4 4 लिखेंगे आप सभी बच्चे इन बॉक्सेस में, और फिर लिखोगे बेटा FOUR 4। नेक्स्ट 5 5 लिखिए आप सभी बच्चे, 5 लिखा बेटा, और फिर आप 5 लिखोगे FIVE 5, ठीक है। आप सभी को ऐसे ही लाइनों पे नीट एंड क्लीन वर्क करना है। देन 6 6 लिखेंगे 6 6 6 SIX 6। नेक्स्ट 7 7 7 7 7, तो लिखिए SEVEN 7। देन 8 पढ़ो, 8 8 8 8, 8 की स्पेलिंग रीड करो बेटा EIGHT 8। नेक्स्ट वन इज 9 9 9 9 9, तो 9 की स्पेलिंग रीड करो NINE 9। 10 10 10 क्या होता है बेटा, 10 10। सभी बच्चे 10 10 लिखिए, 10 की स्पेलिंग TEN 10। तो सभी बच्चों को इसी तरीके से अपना नीट एंड क्लीन ये वाला काम करना है, और बेटा सभी बच्चे इसमें आज की डेट डालेंगे 9/12/2020, और सभी बच्चे नीट एंड क्लीन काम करेंगे ये वाला, ठीक है। सभी बच्चों को बात समझ में आ गया, आपको पेज नंबर 11 और पेज नंबर 12 आज क्लास वर्क में करना है। ओके स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।